कोरोना वायरस और रतन सूत्र, अगर आप रतन सूत्र को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, सही तरह से समझ के करें, जो इसका आज के समय में साइंटिफिक तरीका है उसके हिसाब से करें, तो ये आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। आपके शरीर में जितने भी रोगों से लड़ने की ताकत है उसको बढ़ा देता है, क्योंकि भय आपके रोगों से लड़ने की ताकत को गिरा देता है, आपको मायूस कर देता है। इसलिए रतन सूत्र काम करता भी है और काम नहीं भी करता है। रतन सूत्र या रत्न सूत्र या जैम वर्सेस, सूत्र को हम वर्सेस या कलाम या आयत या छंद या दोहा बोल सकते हैं, और रत्न का मतलब जैम होता है, ज्वेल होता है। ये रत्न सूत्र जो बुद्ध का जितना भी साहित्य या वाणी है उसमें रत्न की तरह माना जाता है, इसलिए इसको रत्न सूत्र बोलते हैं। क्या कोरोना को, वायरस को आज की महामारी में, आज की डेट में रतन सूत्र से भगाया जा सकता है, हटाया जा सकता है, इससे पीछा छुड़ाया जा सकता है? हाँ भी और ना भी, यानी दोनों ही बातें हैं। रतन सूत्र से कोरोना वायरस से पीछा छुड़ाया भी जा सकता है और नहीं भी। वैशाली में जब महामारी हुई, महामारी का मतलब है कि लोग बहुत ज्यादा बीमार पड़ने लगे, जैसे आज के समय में बीमार पड़ रहे हैं पूरी दुनिया में, और वहां दुभिक्षा भी हुई। दुभिक्षा का मतलब है भिक्षा के लिए दूर हो गया, दूर हो गया, यानी कि कठिनाई हो गई खाने के लिए। जो मंक्स थे, यानी जो मंक्स थे, भिक्कु थे, उनके लिए भी खाना मिलना दुभर हो गया। और जब वहां पर जो मनुष्य हैं उन्होंने अप्राकृतिक जितनी आपदा है वो की, जैसे जंगल काटे या पानी का मिसयूज किया या आग लगाई जंगल में, या जो अप्राकृतिक जितने भी कार्यक्रम है वो किए उन्होंने, उससे वहां जो अकाल पड़ा और जो वहां दुभिक्षा का टाइम आया और जो वहां खाने को सामान नहीं मिला या महामारी हुई, उस महामारी से त्रस्त होने के बाद वैशाली के लोगों ने भगवान बुद्ध को बुलाया और उनसे कहा कि आप हमें इस महामारी से, इस भुखमरी से, इस जो ये मनुष्य ने अप्राकृतिक कार्यक्रम किए हैं, जो मनुष्य के द्वारा जनित जितनी भी कठिनाई है, उनसे हमें मुक्ति दिलाइए, तीनों भय से, तीनों डर से। तब भगवान बुद्ध ने नदी पार करके वहां पहुंचे और वहां उन्होंने ये जो सूत्र कहे, इन सूत्रों से वहां भुखमरी खत्म हो गई, जंगल फिर से हरे भरे हो गए, पानी फिर से ठीक हो गया, और वहां जितनी भी मारामारी थी या जो महामारी थी, बीमारी थी, वो ठीक हो गई, ऐसा वर्णन आता है। तो क्या आज के समय में भी रतन सूत्र उतना ही कारगर है? बेसिकली पहले रतन सूत्र को समझें कि ये रतन सूत्र है क्या और ये कैसे काम करता है, इसकी टेक्निक क्या है, तब आपको समझ में आएगा कि रतन सूत्र कैसे काम करता है। क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो रतन सूत्र को पाठ में पढ़ते हैं, यानी कि उसका जाप करते हैं, उसका पाठ करते हैं, उसका मंत्र करते हैं, बड़ी सूली सूली आवाज में करते हैं या जैसी आवाज जिसकी होती है उसमें। रतन सूत्र का पाठ करने में या कोई भी ऐसा सूत्र जो अच्छा भगवान ने बताया, क्योंकि सारे सूत्र उन्होंने कल्याणकारी बताए हैं, आपको उस समय तक जब तक आप सूत्र को पढ़ेंगे या उसका पाठ करेंगे या उसको सुनेंगे, तब तक आपका मन थोड़ा सा शांत रहेगा। जरूरी नहीं है कि पूरा शांत हो जाए, थोड़ा सा शांत रहेगा। हो सकता है कि आपका मन सुनते सुनते भी अशांत हो और इधर उधर भाग रहा हो, तो जितनी देर तक आपका मन शांत रहेगा उतनी देर तक आपको उसका लाभ होगा, क्योंकि आपका मन शांत हो गया तो आपका शरीर शांत हो जाएगा। मगर अगर आप पठन पाठन जब जैसे ही खत्म होगा, वैसे ही जो महामारी है या बीमारी है या जो परेशानी है या जो वेदनाएं दुख भरी हैं, वो सारी की सारी दोबारा से आ जाएंगी। इसलिए पाठ का, पठन का बहुत हल्का सा लाभ होता है, बहुत जरा सा लाभ होता है। फिर भगवान बुद्ध ने कुशीनगर के अंदर इतना बड़ा लाभ लोगों को क्यों दिया, और बाद में भी रतन सूत्र का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया। जब भी कोई ऐसी परेशानी आती है, ऐसा दुख की वेदनाएं आती हैं, बीमारी है, हारी है, महामारी है, परेशानी है, घर में कोई दिक्कत आ रही है, तो रतन सूत्र का पाठ करने से लाभ उस समय हुआ करता था। अभी होगा या नहीं होगा ये आपके ऊपर निर्भर है। कैसे निर्भर है? रतन जो सूत्र है इसमें लगभग कुल मिला के 18 सूत्र हैं। 18 सूत्रों में सारे सूत्र जो गुणवाचक हैं। अब गुणवाचक सूत्र कैसे काम करते हैं पहले इसको समझें।
जो कोरोना की महामारी है, महामारी का मतलब है बड़ी मारी, यानी मार तो भगवान बुद्ध ने हमेशा बताई है, मार का जिक्र होता रहता है, अगर मार में महा लगा दें तो महामार हो जाता है या महामारी, यानी जब बहुत ज्यादा परेशानी एक साथ आती है, मोस्टली प्राकृतिक रूप से आती है, क्योंकि मनुष्य जनित तो अब आने लगी है, जैसे परमाणु बम छोड़ दिया या युद्ध कर दिया या बहुत ज्यादा किसी ने जंगल काट दिए, ये अब आने लगे हैं। पहले ये प्राकृतिक आपदाएं ज्यादा आती थी, मनुष्य के जनित यानी मनुष्य के द्वारा पैदा की हुई परेशानियां कम आती थी। तो जितनी भी आपदाएं आती हैं, जितनी भी डिजास्टर आते हैं, जितनी भी परेशानियां आती हैं जो बहुत ज्यादा आती हैं, उनको महामारी बोलते हैं। कोरोना यानी जो कोरोना है, कोरोना की आपके पास खबर ज्यादा आ रही है, कोरोना नहीं आ रहा है, यानी जो कोरोना है आज के समय में अगर हम देखें तो लगभग 8 लाख लोग इससे संक्रमित है और 1.5 लाख के करीब ठीक हो चुके हैं, लगभग 30,000 से ऊपर अब तक 40,000 के ऊपर लगभग अब तक मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, वो मृत्यु का रेट है और दर है। पूरी दुनिया में 770 करोड़ लोग इस समय हैं, उसके हिसाब से देखा जाए तो परसेंटेज कोई खास परसेंटेज नहीं आती है, मगर चूंकि एपिडेमिक है, महामारी है, पूरी दुनिया में फैल रही है, इसलिए डर है कि और लोग ज्यादा लपेटे में चपेटे में ना आ जाए। तो खबर जो आपके पास आ रही है उनका माध्यम है या तो जिनके पास मोबाइल है वो अपने मोबाइल पर देख रहे हैं, नेटवर्क देख रहे हैं, या जिनके पास टीवी है टीवी में देख रहे हैं, या जिनके पास रेडियो है रेडियो में सुन रहे हैं। अखबार ऑलमोस्ट बंद हो चुके हैं, उससे पहले जो अखबार सर्कुलेट हुए या अखबार में है, और जिनके पास ये सारी चीजें नहीं है उनके पास में एक दूसरे के माध्यम से यानी कि जन जन के माध्यम से, मनुष्य के द्वारा मनुष्य के माध्यम से पहुंच रही है। एक कहता है 50 सुनते हैं, फिर 50 आगे कहते हैं, बात बदलती चली जाती है। चूंकि मनुष्य अपने जीवन के प्रति बहुत ज्यादा लालायित होता है, उसे बहुत लंबा जीने की इच्छा होती है, वो बहुत ज्यादा जीना चाहता है, इसलिए वो मरना नहीं चाहता। जबकि उसका जब जन्म होता है तो जन्म हो चुका होता है, सिर्फ उसमें मौत यानी मृत्यु बाकी होती है। हर जन्म के साथ जैसे जन्म होता है, जन्म खत्म हो जाता है और मृत्यु स्टार्ट हो जाती है। ये अलग बात है कि किसी की मृत्यु 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में, 50 साल में, 60 साल में, 70 साल में हो। मनुष्य इतना लालची होता है अपनी उम्र के लिए, अपने जीने के लिए, जो उसके सॉफ्टवेयर में होता है कि वो अधिक से अधिक जीवन को प्राप्त करना चाहता है, इसलिए एक भय उसके अंदर आ जाता है कि कहीं बीमारी उसको आ ना जाए, कहीं बीमारी उसको आ ना जाए, इसलिए वो सारी ऐसी खबरों को बिना सोचे समझे अपने अंदर डाल लेता है, जिसका उसे दूर दूर तक भी वास्ता नहीं है। और वो खबर जैसे जैसे आती जाती है वैसे वैसे भय का वातावरण बनता जाता है और शरीर भय के रूप में प्रतिक्रिया करने लगता है। जब शरीर भय के रूप में प्रतिक्रिया करने लगता है तो शरीर कमजोर होना शुरू हो जाता है। ये ठीक ऐसे है जैसे अचानक से सामने से कोई गाड़ी आ जाए, कार आ जाए या बस आ जाए या ट्रक आ जाए, तो एक साथ ही हाथ पैर फूल जाते हैं और हिल नहीं पाते, क्योंकि भय उसको वहां जकड़ लेता है। अगर भय से आदमी ना जकड़े तो कूद के उछल के भाग जाता है, मगर भय में वहीं रहता है। ये ठीक ऐसे है जैसे किसी को लगे कि उसका सारा पैसा धन दौलत चली जाएगी और उसको हार्ट फेल हो जाए या उसको लकवा मार जाए, उसको पैरालिसिस हो जाए या उसको दमे की बीमारी हो जाए या उसको हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर हो जाए। ये ठीक ऐसे है कि जैसे किसी बच्चे का जब एग्जाम होता है और उसको भय आता है तो भय से उसके पेट में दर्द होने लगता है और वो उसके हाथ पैर भी कांपते शुरू हो जाते हैं। यानी कि अभी क्रिया हुई नहीं है मगर भय मन में आया, मन में आने से ही शरीर को दुर्बल और कमजोर कर देता है, ये भय का काम होता है। तो जितनी खबर और जितनी सूचनाएं आपने इधर उधर से ली हैं, आपने वो वेरीफाइड नहीं की, आपने वो टेस्टेड नहीं की, क्योंकि अभी भारत के अंदर जो सूचना है वो सर्टिफाइड नहीं आ पाती हैं। पहले जब खाली सरकारी सूचनाएं आती थी तो वो सर्टिफाइड होती थी, अब सूचनाएं प्राइवेट हो चुकी हैं तो प्राइवेट बिजनेस बन चुका है, इसलिए सारे लोग अपनी खबर बेचने के लिए उसको बड़े भय के साथ लपेट कर उसे बहुत ज्यादा इधर उधर लपेट कर देते हैं, रोचक बनाने के चक्कर में वो इतनी खतरनाक बना देते हैं कि आदमी उसको देखकर भय में आ जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है, अवसाद में आ जाता है। ये बात तय है कि लोग महामारी से कम मरते हैं और महामारी के डर से ज्यादा मरते हैं, क्योंकि सूचनाएं उनको मार देती हैं। कोई आधा मरता है, कोई चौथाई मरता है, कोई तीन चौथाई मरता है और कई पूरे भी मर जाते हैं। जैसा आपने एक उदाहरण देखा कि एक मनुष्य सफदरजंग अस्पताल के अंदर दिल्ली में भर्ती हुआ, जो कोरोना बीमारी है उसके सस्पेक्ट में, और उसने डर की वजह से वहां से छलांग लगा के आत्महत्या कर ली, कूद गया वो। बाद में उसका कोरोना का जो रिजल्ट आया वो निगेटिव आया, यानी भय से वो अपनी मौत को पहले ही बुला बैठा डर की वजह से। तो डर जो आता है, खबर जो आती है,
उससे महामारी ज्यादा पावरफुल और तगड़ी हो जाती है। इस डर को खत्म करने के लिए ये जो रत्न सूत्र है ये काम करता है। कैसे काम करता है? जैसे डर के समय में आप सबसे ज्यादा क्या करते हैं डर को दूर करने के लिए, अपनी बहुत ज्यादा जो खुशी के क्षण हैं, जो आपकी बहुत ज्यादा हैप्पीनेस का टाइम है, चाहे आपके बर्थडे के फोटो हैं, चाहे आपके शादी के हैं, आपकी बहुत अच्छी मेमोरी है, बहुत अच्छा जो आपने किया है, या कुछ ऐसा सोचना शुरू कर देते हैं जो आपके मदर से, फादर से, दादा दादी से संबंधित हो, भाई से, बहन से हो, जो अच्छे क्षणों में आता है। तो जैसे ही आप ये सोचना शुरू करते हैं वैसे ही कोरोना या भय उसका कमजोर पड़ना शुरू हो जाता है और वो धीरे धीरे करके भय सारा निकल जाता है। या आप किसी काम में लग जाते हैं, अगर काम में लग जाते हैं तो फिर कोरोना का भय ऊपर से निकल जाता है, आप अपने काम में मशगूल रहते हैं। या आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव समाचार सुने और ढूंढे कि कोरोना को किन किन देशों ने हराया या कहां कहां महामारी को हराया गया, कितना रेट डाउन हुआ, कैसे लोगों ने मेहनत की, बचे कैसे, क्या खास बात है, क्या नहीं है। ये जो पॉजिटिव खबर है, ये जो अच्छी खबर है, जैसे ही आप इनको देखेंगे तो कोरोना धीरे धीरे कमजोर होगा, भय कमजोर होगा। ये बात बहुत ज्यादा साइंटिफिक है। भगवान बुद्ध ने इसी ज्ञान को देखा, इसी बात को देखा, क्योंकि वो मन और मस्तिष्क के सबसे बड़े साइंटिस्ट रहे हैं और मनोविज्ञान उन्हीं से ही आरंभ होता है और मनोविज्ञान के वो अब तक के सबसे बड़े साइंटिस्ट रहे हैं। जब वो वैशाली आए तो उन्होंने वहां जितने भी अच्छे गुण थे और अच्छे सूत्र थे जो सच में थे, यानी कि काल्पनिक नहीं होने चाहिए, जो कथा और जो बात बताई जा रही है वो ना काल्पनिक हो, ना वो झूठी हो, ना वो मनगढ़ंत हो, ना वो पाखंड से भरी हो, और ना वो ऐसी हो कि बाद में झूठी सिद्ध हो जाए। अगर आपने अपने भय को किसी कल्पना में या किसी पाखंड में या किसी झूठी कहानी में या कथा में या कोई ऐसी स्टोरीज में जो उसका कहीं सर या पैर या बेस नहीं है, या उसको चार लोग आके क्वेश्चन करें या काट दें, ये कहें कि जो ये चीज बताई गई है, जो सोच रहे हो ये तो गलत है, इसका कहीं कोई मिलता नहीं है, तो फिर वो भय और ज्यादा आपको बढ़ जाएगा। ये ठीक ऐसे है जैसे आप अंधेरे में जा रहे हैं रास्ते में और आपको डर लग रहा है, तो किसी ने आपको बंदूक दे दी हाथ में, लोड करके कारतूस के, अब जो भी सामने से आएगा तो उसे मार देना, तो बंदूक आने के बाद में भय दूर हो जाता है। मगर अगर वो साथ में ये कह दे कि ये बंदूक जो मैंने दी है ये नकली बंदूक है, ये चलेगी नहीं, तो फिर भय और ज्यादा बढ़ जाता है। ये ठीक ऐसे कहानी है। तो भगवान बुद्ध ने जितनी भी चीजें वहां उस रतन सूत्र में बताई और बाद में भिक्खुओं ने, आनंद ने और भी लोगों ने इसका इस्तेमाल किया और बार बार होता रहता है, उसमें उन्होंने जितनी पॉजिटिव एनर्जी और जितने अच्छे गुण थे एक मनुष्य के या एक बुद्ध के या एक संघ के या एक धम्म के या एक अच्छा जो परिवार होता है उन सबके जो लोग होते हैं, जो धम्मिक लोग होते हैं, उन गुणों को बताया, लोगों को याद दिलाया कि हम कितने पॉजिटिव हैं। तो पॉजिटिव एनर्जी को उन्होंने बढ़ाना शुरू किया, क्योंकि जो पॉजिटिव एनर्जी है अगर वो बढ़ती जाती है तो नेगेटिव एनर्जी अपने आप ही खत्म होनी शुरू हो जाती है। कैसे शुरू हो जाती है? मनुष्य के अंदर जो एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, वो सारी की सारी उसके मन मस्तिष्क पे छानी शुरू हो जाती है, वो अवसाद में चला जाता है। तो भगवान जब पॉजिटिव बातें निकाल के लाए तो उन्होंने जीवन के लक्षण बताए कि जीवन कितना सफल है, कितना अच्छा है, वातावरण कितना अच्छा है, गुण कितने अच्छे हैं। उन्होंने सारे अच्छी अच्छी बातों को याद दिलाया, सारी अच्छी अच्छी बातों का आह्वान किया, क्योंकि वो खुद भी बहुत ज्यादा दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छे थे, क्योंकि बुद्ध तो दुनिया में सबसे अच्छे व्यक्ति होते हैं, तो उनकी पॉजिटिव एनर्जी बहुत हाई थी। तो उन्होंने सारी पॉजिटिव जितनी भी चीजें थी उन सबको याद किया, उनका आह्वान किया और लोगों को उनको मेमोरी को याद दिलाया। याद दिलाने के बाद में लोगों का विश्वास, कॉन्फिडेंस लौटना शुरू हुआ, डिप्रेशन दूर होना शुरू हुआ और जो वातावरण था वो धीरे धीरे बदलने लगा। तरंगें जो थी जितनी भी वातावरण के अंदर उल्लासपूर्ण होने लगी। ये ठीक ऐसे होने लगी जैसे कोई मेला है और मेले के अंदर मायूसी छा जाए, अचानक कोई आदमी एक ढोल बजा के और एक बहुत उत्साह भरा गाना शुरू कर दे तो सारे लोग उस अवसाद को भूल के मेले में नाचना कूदना शुरू कर देते हैं। ठीक वही स्थिति उन्होंने की। ये मनोवैज्ञानिक और साइकोलॉजिकल थी जो उन्होंने वहां जाके लोगों को और पूरे वातावरण को पॉजिटिव वातावरण में बदल दिया और नेगेटिव चला गया। तो ये सारा वातावरण जो नेगेटिव से पॉजिटिव होता है इसको बार 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 ट्राई किया जाता है और ऐसा होता है। आपने क्या करना है? रत्न सूत्र को पढ़ना है, पढ़ने के बाद समझना है। मैं 3-4 पार्ट्स में इसको बताऊंगा
इसमें जो भगवान बुद्ध ने उस समय जितनी पॉजिटिव एनर्जी का आह्वान किया था वो सारी है, मगर आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपके पास है, आपके परिवार के पास है। भगवान बुद्ध तो आने वाले हैं नहीं, सूत बता के गए हैं, तो सूतों का मतलब है कि आपने जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है वो सारी रिमाइंड करनी है, वो सारी याद करनी है, और जितना भी डर और भय है वो ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक निकल जाएगा, क्योंकि अच्छाई मनुष्य के अंदर होती है, जो बुराई होती है वो बाहर से आके उसको ढक लेती है। जैसे बुराई निकल जाएगी अच्छाई ऑटोमेटिक सामने आ जाएगी और सारा वातावरण उल्लासकर खुशी का होना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि रतन सूत को समझना है और समझकर अपने आसपास जो अच्छी पॉजिटिव एनर्जी है या अच्छा काम है उसमें लग जाना है, बैठे नहीं रहना है और नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव वीडियोस को या नेगेटिव जितनी भी खबरें आ रही हैं उनको नहीं देखना है। नेगेटिव बिल्कुल भी ना देखें, जो खराब आने वाली हैं, जिसमें बढ़ चढ़ के डराया जा रहा है या बढ़ चढ़ के घबराने की बातें बताई जा रही हैं या अफवाह फैलाई जा रही हैं, उसमें ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। तो रतन सूत अपना काम आज भी करेगा और रतन सूत हमेशा काम करेगा। जब भी आप मुसीबत में आए अपनी एनर्जी अपनी पॉजिटिविटी को इकट्ठा करें, वो जैसे ही आप इकट्ठा करेंगे रतन सूत अपना काम करना शुरू कर देगा। तो भगवान बुद्ध ने वही टेक्निक सारी सारी अपनाई। सबसे पहले वो कहते हैं कोटि सत सहस्येषु चक्रवालेषु देवता यस्सानं पटी गण हन्ति यंच वैशालियापुरे रोगा मनुष्य दुभिक्खं संभूतं त्रिविधं भयं क्षिप मंत्र धापेसी परितंग तंग भड़ा महे। यानी कि कोटि सत सहस्येषु, कोटि सत सहस्येषु माने कोटि माने करोड़ों, सस माने सैकड़ों, सहस्येषु माने हजारों, यानी करोड़ों सैकड़ों हजारों कौन है, चक्रवालेषु देवता। चक्रवालेषु का मतलब है चक्र में रहने वाले, व्रत में रहने वाले, क्षेत्र में रहने वाले, यानी एक चक्र खींच दिया चारों तरफ, उस परिधि में उस सर्कल में उस व्रत में जो रहने वाले देवता हैं। देवता मतलब जो पंचशील का पालन करने वाले लोग हैं, लाखों करोड़ों हजारों। यस्सानं पटी गणन्ति यंच वैशालिया पुरे, यानी कि जिनका जो यश मानते हैं इस बात का, किस बात का, यंच वैशालिया पुरे, जब पूरी वैशाली को रोग ने यानी बीमारी ने मनुष्य जनित जितने अवरोध थे उन्होंने, और जो दुभिक्खा थी यानी कि जो भुखमरी थी, जब इन तीन विधियों से भय पैदा कर दिया, यानी पूरी वैशाली के अंदर जब मनुष्य जनित काम ने यानी जो अप्राकृतिक काम किए उसकी वजह से दुख आए, रोग की वजह से दुख आए, और जो जितनी भी भुखमरी आई उसके सारे भय को डर को आप ध्यान दें कि उसके डर को दूर किया है, यानी दुभिक्खा के डर को दूर किया है, जो मनुष्य के रोग हैं उसके डर को दूर किया है, और जो मनुष्य जनित जितने भी पाप कर्म हैं उनके डर को दूर किया है। खिप्पंग मंत्र धापेसी परितंग ते भड़ामे है, खिप्पंग मंत्र धावेती, यानी कि अति शीघ्र जो दूर हो गई वैशाली की जितनी परेशानी थी भय थी, जो अति शीघ्र दूर हो गई, उस कही हुई बात को त्रिपिटक के उस कहे हुए हिस्से को परित्राण बोलते हैं। परित्राण का मतलब है जो प्रोटेक्शन के अंदर बोली जाती है बात, यानी रक्षा के लिए जो बात बोली जाती है उसको परित्राण बोलते हैं। ये बिल्कुल सिंपल है, इसको हम हिंदी में इस प्रकार समझ सकते हैं, सैकड़ों हजारों करोड़ों चक्र व्रत क्षेत्र या खेत में रहने वाले देवता लोग जिसके यश को स्वीकार करते हैं, किसके यश को स्वीकार करते हैं, परित्राण पाठ के यश को स्वीकार करते हैं, जिससे पूरी वैशाली बीमारी मनुष्य जनित परेशानी व अकाल भुखमरी तीनों विधियों से पैदा हुए भय से अति शीघ्र मुक्त हो गई, उस त्रिपिटक के भाग को परित्राण कहते हैं। ऐसा कहने के बाद में वो फिर रतन सूत को आरंभ करते हैं। क्या कहते हैं रतन सूत में, यानीद भूतानी समागतानी, यानी पहला जो कहते हैं यानीद भूतानी समागतानी, इस समय भूतानी समागतानी, यानीद का मतलब है इस समय, भूतानी माने हैं भूत यानी के प्राणी, यानी जो भी प्राणी है किसी भी प्रकार के प्राणी है, ये बात ध्यान देने की है कि ये सभी मनुष्य और सभी जीवों के लिए है, खाली मनुष्य के लिए नहीं है, यानी इस समय जितने भी प्राणी हैं, समागतानी यानी समागतानी जो इकट्ठे हैं असेंबल्ड हैं,
जो सारे सारे इकट्ठे हैं, कहां इकट्ठे हैं? भूमानी वा यानी वे अनंत लिखे, भूमानी वा यानी वे अनंत लिखे। भूमानी मतलब भूमि पर, या जो चल रहे हैं कहां? अनंत लिखे, अंतरिक्ष के बीच में, यानी अंतरिक्ष के बीच में, आकाश के बीच में और भूमि के बीच में जितने भी प्राणी हैं, क्योंकि प्राणी आकाश में भी रहते हैं, छोटे वाले भी हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हैं और बड़े भी हैं, जल में भी हैं, थल में भी हैं, तो अंतरिक्ष से लेके और भूमि पर जितने भी प्राणी हैं, सब्बे वे भूता सुमना भवंती, जितने हैं सब वे, यानी जितने हैं सब, भूता सुमना भवंती, भूता माने प्राणी और सुमना माने सुमन से, यानी कि अच्छे मन से, भवंतु हो, यानी कि वो सब अच्छे मन से उपस्थित हों और सुने, क्या सुने? अथोपि सकच सुणंतु भासितं, जो ये कथन कहा गया है उसको वो आदर के साथ में सुने, यानी कि इस समय धरती और आकाश के बीच में जो भी प्राणी उपस्थित हैं वे प्रसन्न हों और इस कथन को आदर के साथ सुने, जो कथन उन्होंने बाद में और भी गाथाओं में और भी सूत्रों में बताए हैं, वो सूत्र मैं आगे बताऊंगा। रतन सूत्र का आप अच्छे तरह से ध्यान दें, रतन सूत्र से आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, यानी कि आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी। रतन सूत्र के करने से, उसके स्मरण करने से, रतन सूत्र स्मरण आपको घर में करना है, अपने पुरखों की जितनी भी पॉजिटिव चीजें हैं वो सब याद करनी है, जितनी भी बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं वो याद करनी है, आपकी शादी, आपके बच्चे, आपका परिवार, आपका खानदान, रिश्तेदार, नाते जितने भी हैं वो सब जितने भी हैं, और जो किसी आपकी नहीं बनी है, बिगड़ी है, उसको आप ठीक कर लें, तो रतन सूत्र जरूर काम करेगा। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी वो बढ़ेगी, तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपके शरीर की ताकत बढ़ेगी, शरीर की ताकत बढ़ेगी तो जो बीमारी है, जो रोग है, उसको लड़ने की ताकत मिल जाएगी, फिर वो रोग आपका ज्यादा हानि नहीं कर पाएगा, ऑलमोस्ट तो आप स्वस्थ हो ही जाएंगे। अगर 19-20 हो तो बाकी दवा दारू ये सब ठीक ठाक कर देती है जो भी चीज है, इसलिए रतन सूत्र काम करता है अगर आप इसको पॉजिटिव वे में लेंगे। धन्यवाद।